सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज एसीपी अत्तर सिंह की सुपरविजन में दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हुन की टीम ने अंतर्राज्यीय हथियारों की तस्करी के सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए दो ऐसे हथियार तस्करों को दबोचा है जो यूपी में बैठे अपने आका के निर्देश पर मध्य प्रदेश के खरगोन इलाके के एक कुख्यात हथियार सप्लायर से पिस्तौलें खरीद कर तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना गिरोह के सदस्यों समेत दिल्ली NCR के अन्य हार्डकोर क्रिमिनल को पिस्टल सप्लाई करने के लिए लेकर आए थे। लेकिन इससे पहले कि यह हथियार तस्कर गैंगस्टरों तक हथियार सप्लाई कर पाते स्पेशल सेल की टीम ने इन्हें दबोच लिया। इनके कब्जे से 10 अवैध हथियार समेत तस्करी में इस्तेमाल अर्टिगा कार जब्त कर ली गई है। तस्करों की पहचान 19 वर्षीय मोहम्मद समीर व एक नाबालिग के रूप में हुई है। दोनों आरोपी दिल्ली के शाहीन बाग जामिया नगर इलाके के रहने वाले हैं। दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हुन स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज को सूचना मिली कि दिल्ली NCR के गैंगस्टर और हार्डकोर क्रिमिनल मध्य प्रदेश के एक खतरनाक हथियार सप्लायर से अत्याधुनिक हथियार खरीद रहे हैं। इंस्पेक्टर शिव कुमार हुन को एक बात का डर सताने लगा कि अगर दिल्ली NCR के गैंगस्टरों और हार्डकोर क्रिमिनलों के पास अत्याधुनिक हथियार आ गए तो ये कभी भी तबाही मचा सकते हैं। इंस्पेक्टर शिव कुमार हुन किसी भी कीमत पर दिल्ली NCR के गैंगस्टरों और हार्डकोर क्रिमिनलों के पास तक अत्याधुनिक हथियार नहीं आने देना चाहते थे। इसके लिए उनकी टीम ने मध्य प्रदेश और दिल्ली NCR के अवैध हथियार तस्करों के लिंक को खंगालना शुरू कर दिया। लगभग 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद टीम के हाथों सफलता लग ही गई। टीम ने मध्य प्रदेश से दिल्ली NCR में अवैध बंदूक सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय सिंडिकेट से जुड़े 2 सदस्यों की पहचान कर ली। हथियार तस्करों की पहचान होते ही टीम ने दोनों आरोपियों की एक्टिविटी और मूवमेंट पर नजर रखना शुरू कर दिया। दिनांक 15 फरवरी को टीम को सूचना मिली कि अवैध हथियार तस्करी सिंडिकेट के 2 सक्रिय सदस्य मोहम्मद समीर और एक नाबालिग ने कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के खरगोन से पिस्तौल की एक खेप खरीदी थी और आज शाम 7 से 8 बजे के बीच एटिगा कार से NTPC इको पार्क कालिंदी कुंज मीठापुर रोड पर अपने किसी जानकार को हथियार की सप्लाई करने आए गए। जानकारी कंफर्म होते ही ACP अत्तर सिंह ने तुरंत इंस्पेक्टर शिव कुमार हुन के नेतृत्व में एक टीम बनाई। टीम के सदस्य NTPC इको पार्क के पास अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो गए। शाम लगभग बजे के आसपास दोनों तस्कर अर्टिगा कार से आते हुए दिखाई दिए। टीम के सदस्यों ने दोनों को चारों तरफ से घेर कर दबोच लिया। तलाशी लेने पर आरोपी मोहम्मद समीर के पास से 6 पिस्टल व नाबालिग के पास से 4 पिस्टल बरामद की गई। अवैध हथियारों में .30 बोर की 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, .32 बोर की 2 पिस्टल व 4 कट्टा शामिल है। इनके पास से हथियार तस्करी में इस्तेमाल एक अर्टिगा कार भी बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए दोनों हथियार तस्करों ने खुलासा किया है कि दोनों ने मध्य प्रदेश के खरगोन से अवैध हथियारों की खेप खरीदी थी और वे अर्टिगा कार से हथियार लेकर दिल्ली आए थे। उन्होंने खरगोन में एक कुख्यात हथियार निर्माता से हथियार खरीदे थे और अपने यूपी स्थित एक आका के निर्देश पर तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना गिरोह के सदस्यों समेत दिल्ली NCR के अन्य हार्डकोर क्रिमिनल को सप्लाई करनी थी। दोनों ने पिछले 6 माह के दौरान पिस्टल की 3 और खेप लाने की बात कबूली है। जांच में टीम को पता चला है कि दिल्ली NCR के गैंगस्टरों व हार्डकोर क्रिमिनलों ने अवैध हथियार तस्करी में नाबालिगों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए मामले की आगे की जाँच जारी है। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर, हर रविवार आपके द्वार।
जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।